आइए आज हम बनाते हैं बाजरा कुकीज़। ये बनाना बहुत ही आसान है। बहुत से लोग इसको बनाने में डरते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं बनेगा। तो आइए देखना इसको बनाना कितना आसान है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बाजरा कुकीज़। बाजरा कुकीज़ बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी बाजरे का आटा लिया है, आधी कटोरी सफ़ेद तिल लिया हुआ है और ये गुड़ लिया हुआ है इस तरीके का। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बाजरा कुकीज़। तो ये गुड़ को हमने बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब हम इसमें एक कटोरी ही पानी डालेंगे। और एक कटोरी पानी डालने के बाद गैस में इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है हमको, सिर्फ गुड़ घुलने तक पकाना है। तो देखिए गुड़ को हमने घोल लिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। एकदम से ठंडा नहीं करेंगे, हल्का गुनगुना रहेगा तभी इससे आटा गूंथेंगे। अब देखिए एक परात में हमने ये बाजरे का आटा डाल दिया है। अब हम इसी में एक तिल मिक्स कर देंगे और एक पिंच नमक इसमें मिक्स कर देंगे। और देखिए ये जो गुड़ हमने घोल कर रखा है इसको छन्नी से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। छन्नी से इसलिए करके डाल रहे हैं क्योंकि गुड़ में अधिकतर कुछ कूड़ा रहता है, कंकड़ रहते हैं, वो सब निकल जाएगा। अब हम इस तरीके से इसका आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। ये देखिए इसका आटा इस तरीके से मसल मसल कर गूंथेंगे तभी इसकी कुकीज़ अच्छी बन पाएगी। आप चाहें तो इसमें मोयन भी डाल सकते हैं तो उससे थोड़ा सॉफ्ट बनेगी कुकीज़। लेकिन हम बिल्कुल आज देसी स्टाइल में बना रहे हैं, जैसे हमारी दादी नानी बनाया करती थी उस तरीके से बना रहे हैं। तो वो इसी तरीके से बनाती थी, बिल्कुल मोयन नहीं डालती थी इसमें और बिल्कुल हार्ड खुरखुरा टाइप का बनाती थी कुकीज़। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से मसल लेंगे आटे को। देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें इसकी कुकीज़ बनाकर तैयार करेंगे। अब देखिए वैसे तो इसका हाथों से टिक्की जैसे बनाते हैं, लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं नहीं हाथ से बना सकते हैं तो उनके लिए भी तरीका है कि आप हाथों में इस तरीके से हल्का सा घी लगाएं और इसकी इस तरीके से लोई बना लें और लोई बनाकर इस तरीके से इसको फैला लें। फैलाने के बाद बेलन में हल्का सा घी लगाकर इसको हल्का सा बेल लें। बहुत पतला नहीं करना है और ना ही मोटा करना है, इसको उठाना नहीं है, इस तरीके से ही बस बहुत पतला नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है। अब आप इसको किसी भी कुकी कटर से काट सकते हैं या पिज़्ज़ा कटर से काट सकते हैं, किसी चीज़ से काट सकते हैं। इस तरीके का कोई ढक्कन है उससे भी आप इस तरीके से कट कर सकते हैं इसको। देखिए साइड का ये हम हटा लेते हैं। तो देखिए साइड का हटाने के बाद इस तरीके से कलछी से हम इसको आसानी से उठा सकते हैं। इस तरीके से उठा उठा कर सारे उसमें डाल सकते हैं तलने के लिए। तो देखिए आप इस तरीके से टिक्की बना सकते हैं अगर हाथ से आपसे नहीं बन रहा है तो, और आप इसको चौकोर पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो देखिए बनाना कितना आसान है। तो देखिए अगर उस तरीके से कुकी कटर से नहीं काटना चाहते हैं तो इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से आप इसको कट कर सकते हैं। आप इसको अलग अलग शेप दे सकते हैं ताकि बच्चों को देखने में अच्छी लगे और बच्चे इसको आसानी से खा सकें। और
ये बाजरे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सर्दियों के लिए। तिल भी गर्म होता है, तिल भी सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बच्चों को ऐसे बना के हम कोई चीज़ देते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो देखिए इस तरीके पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं और इसको भी इस तरीके से। तो देखिए इस शेप में भी आप बना सकते हैं, आपको जो शेप पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। देखिए इसको फ्राई करने के लिए हमने ये तेल गरम करने के लिए रख दिया है, ये हम मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। आप कोई भी कुकिंग ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रहे हैं जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी, इसलिए हम इस पहले इसी तेल में फ्राई किया जाता था। अभी सरसों के तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है, गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और थोड़ा सा तेल को मीडियम ठंडा होने देंगे तब इसमें डालेंगे। अभी तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसा करने से तेल की जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। तो ये जो हम फ्राई करेंगे ये बिल्कुल भी स्मेल इसमें नहीं आएगी तेल की। तो देखिए इसको तेल को थोड़ा नॉर्मल हो जाने देते हैं फिर इसमें डालते हैं। तो देखिए तेल हमारा हल्का नॉर्मल हो गया है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और ये इस तरीके से डालकर सेक लेते हैं। एक बार में जितने पड़ जाए आसानी से उतने डाल देंगे और तुरंत टच नहीं करेंगे, हल्का सा फूलने देते हैं फिर इनको पलटेंगे। तो देखिए हल्के से तैर कर एक साइड से पक गए हैं, अब हम इनको पलट देते हैं इस तरीके से। और लो फ्लेम पर इस तरीके इनको बिल्कुल खुरखुरा होने तक पका लेंगे। तो देखिए लो फ्लेम पर हमने इनको सेक लिया है, अब बिल्कुल इनको साइड में इस तरीके से ऑयल इसका अलग करते हुए इनको निकाल लेते हैं। देखिए उस तरीके से आप बेल कर भी बना सकते हैं, बाकी इस तरीके से हाथ में ये लेकर इस तरीके से टिक्की के शेप में बना सकते हैं हाथ में लेकर। इसका देसी स्टाइल तो ये है बनाने का, बाकी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप बेल कर भी बना सकते हैं। बाकी इस तरीके से टिक्की बनाकर हाथों से टिक्की बनाकर इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हाथ से भी आप बना कर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से तुरंत बनाते जाएं और डालते जाएं। तो देखिए बनकर तैयार है ये बाजरा कुकीज़। ये इतना सॉफ्ट मतलब बिल्कुल सख्त है, कड़क है, ये देखिए कितना खुरखुरा है। आप इनको लगभग 2 हफ्ते तक भर कर रख सकते हैं और बच्चों को आसानी से खिला सकते हैं। ये हमने जो हाथ से बनकर टिक्की जैसा बनाया था वो थोड़ा डार्क कलर का फ्राई किया है क्योंकि हल्का सा मोटा है इसलिए इस तरीके का है। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको बाजरा कुकीज़ कैसी लगी।